अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आइए, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है शेफ़ शाकिरा में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूट्रिशियस और खट्टी मीठी चटपटी चटनी लेकर आई हूँ, खुबानी यानी एप्रिकॉट्स और इमली की चटनी। तो चलिए किचन में हम झटपट शुरू करते हैं अपनी चटनी बनाना। सबसे पहले हमने यहाँ 100 ग्राम एप्रिकॉट, जर्दालू या खुबानी ले लिया है, जिसे मैंने रात भर भिगो के रख दिया था। ये रात भर भिगोने के बाद इस तरह की हो गई है फूल के। और 50 ग्राम मैंने इमली ले ली है, इसे भी मैंने रात भर भिगो दिया था और उसका पेस्ट निकाल के रख दिया है। चटनी में पड़ने वाले सभी इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सेहतमंद है। सबसे पहले हम इन खुबानियों में से उसके बीज निकाल देंगे, उसके सीड निकाल देंगे, ये सारे डीसीड कर देंगे इसे हम। खुबानी बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है, इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो हमारी आँखों के सेहत के लिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। कॉन्स्टिपेशन जैसे हो, कॉन्स्टिपेशन भी ख़त्म हो जाती है इससे। लीवर के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है ये, और बोन हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छी है। ये हमारे सारे डी सीड हो चुके हैं, अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। हम इसके पानी के साथ ही इसे ग्राइंड कर लेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए, हमारा फाइन पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। ये ऐसा ही हमें फाइन पेस्ट चाहिए। अब इस मैंने गैस ऑन कर दिया है और इसमें हम ये जर्दालू का पेस्ट डाल देंगे। जर्दालू के पेस्ट के साथ हम दूसरी सारी सामग्री हमारी उसमें ऐड कर देते हैं। इमली का पल्प, 50 ग्राम इमली का पल्प है ये। आधा कप गुड़ ले लिया है मैंने, आप चाहे तो शक्कर भी ले सकते हैं इसमें, गुड़ हेल्दियर वर्जन है। ये 1 इंच टुकड़ा अदरक का मैंने बारीक पीस लिया है, और ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, नमक 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, और 1/2 चम्मच काला नमक, ये सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देते हैं। और ग्राइंडर में हम थोड़ा पानी डालकर वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा, और इसे धीमी आंच पर पकने के लिए रख देते हैं। ये 7 से 8 मिनट तक हम इसे धीमी आंच पर हिलाते हुए पकाएंगे, और अच्छी तरह ये सारे मसाले एक दूसरे में मिक्स हो जाए तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। इसके सभी इंग्रेडिएंट्स बहुत ही हेल्दी है। ये हमें बनाते हुए 8 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच सिरका या विनेगर डाल देते हैं। ये प्रिजर्वेटिव है, अगर आपको 6-7 दिन रखना है इसे तो आप सिरका डालिए, अदरवाइज ऑप्शनल है। ये हमारी चटनी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है, अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो ये हमारे जर्दालू एप्रिकॉट्स या खुबानी की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट, खट्टी मीठी है और बहुत ही लजीज है। आप इसे ज़रूर बनाइए और खाइए। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी हर एक नई रेसिपी आपको जल्द से जल्द देखने मिले। थैंक यू सो मच।